और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी एवं अन्य और पार्टियों के ही हाथों के बीच रहते हैं। लेकिन यह खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश सही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व जहां आपके उत्तराखंड प्रदेश सहित अन्य और राज्यों में भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, सत्ता से अलग होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए पूरे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही खासकर आरएसएस वाली पूंजीवादी संकीर्ण सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सरकार से जरूर बाहर चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार में आने वाली नहीं और इस बार चुनाव में इनकी यानी कि बीजेपी की कोई भी नाटक पार्टी व झूठे पार्टी आदि काम में आने वाली नहीं। और खासकर इनकी चौकीदारी की ये नहीं नाटक पार्टी की इनको नहीं जिसे अगले चुनाव में जबरदस्ती देश में जमीन से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए बनाने में लगे जिसमें भी इसको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं। चाहे इस चुनाव में इनके प्रति छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत की और इसकी मुख्य वजह ये है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ विधानसभा के साथ साथ पिछले यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में यहाँ विधानसभा के भी हुए थे। पहले सन 2014 में लोकसभा के आम चुनाव हुए, उसके बाद सन 2017 में यहाँ उत्तराखंड में विधानसभा के आम चुनाव हुए। तो इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के आम चुनाव में देश में खासकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे तो उनका अभी तक जिन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है।